কথা হরি বাপ রে বাপ আল্লাহ ক্ষমা জিন্দে এতাক বলে এতাক লাগে এতাক বলে এতাক লাগে हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो पर क्या कुछ होने वाला है शायद आपको नीचे दिए गए जो लाइन है शायद वहाँ से पता चल गया होगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं सो रहा था और करीबन 3 या 4 बजे थे शायद, और 11 बजे से, सुबह के 11 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यूस रेनिंग हो रहा था। तो हमारे घर के पास ये खेत है, तो उस खेत पर कुछ वोमेंस और कुछ मैंस भी थे वहाँ पर। तो वो लोग वो जो फिश पकड़ने वाला होता ना नेट, जिसे फिश पकड़ते हैं, वो लेकर वो लोग मतलब हम मेरे घर के पास से गुजर रहे थे। तो मैंने सोचा शायद फिशिंग करने जा रहे होंगे, मतलब नॉर्मली हम लोग कहाँ फिशिंग करते हैं, लाइक रिवर्स पे या फिर पॉन्ड्स पे, राइट, जो फिशरीज होता है वहाँ पर जाके फिशिंग करते हैं। बट जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो मैंने देखा कि जो खेत है, खेत के पास ही वो लोग मतलब फिशिंग कर रहे हैं। तो इट वाज रियली वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो मैंने कहा कि चलो इस पर एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो लेट्स टेक अ लुक, अगर आपको पसंद आएगा तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए, मतलब ऑब्वियसली लाइक शेयर एंड कॉमेंट। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये जो मतलब जो ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रही है, ये कीचड़ से भरा है, क्योंकि जो बारिश हुई थी वो कुछ ही देर पहले हुई थी, पकड़ लो हाफ एन आवर पहले। तो बहुत ही कीचड़ है, पूरा पानी जमा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादातर जब भी रेनिंग होती है, जब भी बारिश होती है, तभी यहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं फिशिंग करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, फिशिंग मतलब वो उस टाइप का नहीं, मतलब बड़े बड़े फिश वैसा नहीं, छोटा छोटा फिश मिलता है बस, और बहुत ही टेस्टी होती है वो फिश। ठीक है, मैंने ट्राई किया हुआ था पहले भी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप देख पा रहे हैं वेदर भी उसी प्रकार का है, मतलब शायद रात को फिर से शायद बारिश आने के चांसेस है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर सारे उम्र के लोग यहाँ पे है फिलहाल, और सारे लोग एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, फिशिंग, मच्छी, मांस लगे मुख, मांस सारे मतलब फिशिंग पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो औरत है ये भी छोटे छोटे फिश कलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब किस टाइप के फिश हैं। तो यहाँ पर छोटे से लेके बड़े, मतलब इतने बड़े भी नहीं, मतलब एक फिंगर तो होता है, मतलब एक उंगली तक, मतलब 1 सेंटीमीटर टाइप, छोटा छोटा होता है, मीडियम साइज़ भी है, वो बड़े वाले फिश नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए कितने सारे फिश इन्होंने कलेक्ट कर लिए, बस यहीं पे थोड़ी देर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर बैठ कर वो फिशिंग कर रहे थे और उनको इतना कुछ मिल गया। तो मतलब एक दिन मीन्स एक टाइम का खाना हो जाता है उनको, बढ़िया से राइस। इसका मतलब मैं एक रेसिपी बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी होगा इससे। ये भी देखिए, ये इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे फिश कलेक्ट किए हुए हैं। मैं इनका एक रेसिपी बताता हूँ, आप राइस कुक कीजिए और वहाँ पर गरम गरम दाल, उसके बाद ये जो छोटे छोटे फिश है इसको फ्राई कीजिए। इसको आप जब फ्राई करेंगे, ये फिश को, फिश दाल और ये राइस, गरम गरम राइस, गरम गरम भात के साथ दाल और ये छोटे छोटे फिश फ्राई, बहुत ही एकदम सेटिस्फाइंग फूड डिश है ये, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभार हमें ऐसा भी मतलब ट्राई करना चाहिए, राइट, बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा मतलब ऐसे खाने के लिए, क्योंकि जाओ दिन भर जाकर फिशिंग करो, मच्छी पकड़ो, उसके बाद घर जाकर राइस के साथ इसको खाओ, एक अलग ही टेस्ट आता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी सुंदरता, कितनी सुंदर लोकेशन पे ये लोग
मतलब अपने घर के पास ही खेत में आकर इस तरह से फिशिंग कर रहे हैं। या इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अद्भुत, और जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी बारिश आती है तो बहुत ही सुंदर लगता है, और ये सब चीज़ें होती है यहाँ पर। ओके, आई डोंट नो मैंने कितना आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हो या नहीं, बट इवन दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं और भी ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, योर सपोर्ट एंड योर लव, शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।